नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन 11 और मैं हूं आपके साथ सानिया। राजधानी पटना में भारी बारिश के कारण सभी गलियों और मुख्य सड़कों पर जल जमाव की भयावह स्थिति बन गई है और देखा जा रहा है कि पटना में अभी भी कई स्थानों पर कई फीट पानी सड़कों एवं गलियों पर जमा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है वो है राजेंद्र नगर की। बता दें, राजेंद्र नगर रोड नंबर 1 से लेकर 7 तक सभी सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी अभी भी है। वहीं लोगों में किसी भी तरह का सुविधा नहीं मिलने पर काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है। वही बता दें, जनता सरकार पर आरोप लगा रही है और ये कहते नजर आ रही है कि सरकार अपनी व्यवस्था में पूरी तरह से फेल है, क्योंकि देखा जाए तो आज जल जमाव जो है 5 दिन से है, लेकिन पानी का निकासी कहीं नहीं हो पा रहा। वहीं यहाँ के आम जनता का कहना है कि पूर्व सांसद पप्पू यादव मधेपुरा से सांसद रहे, इसके बावजूद पटना में पानी से घिरे लोगों के बीच लगातार 4 दिनों से खाना एवं पानी पहुंचा रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि आज भी पप्पू यादव ने अपने सहयोगी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ राजेंद्र नगर का दौरा कर पानी से घिरे लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं लोगों में सरकार को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है, उन्हें किसी भी तरह का जो सहयोग है वो नहीं मिल पा रहा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कैसे पानी जो है लबालब भरा हुआ है और जेसीबी पर पप्पू यादव बैठकर लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं और मदद करने में लगे। वही देख सकते हैं कैसे लोग ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर पानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लोग सरकार द्वारा जो खाना दिया गया है उसके बारे में भी शिकायत करते नजर आ रहे हैं। वही पिछले 5 दिनों से देखा जा रहा है लगातार पप्पू यादव लोगों की सेवा में दिख रहे हैं और लोग पप्पू यादव की तारीफ कर इस मुश्किल घड़ी में अपना मसीहा बता रहे हैं। वही लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्हें जो भी राहत मिली है सिर्फ पप्पू यादव के तरफ से ही मिली है, सरकार से उनकी जो उम्मीदें थी उनमें सरकार पूरी तरह से फेल है। लोगों का कहना है जब भी राज्य में कोई भयावह स्थिति पैदा होती है तो सरकार अपने कान में तेल डालकर बैठ जाती है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है पप्पू यादव और आम जनता ने। सर, बच्चे भूख से मर गए हैं अभी। अभी कहीं पानी का सही हुआ सही से? बहुत बुरा, इसके पहले बहुत बुरा सर। 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर। अरे जो प्राइवेट संगठन जो है वो खाना बांट रहे, प्रशासन पार्टी में नहीं दे रहे हैं। जो प्राइवेट संस्था जो सर बांट रहे खाना को, अगर वो प्रशासन उसे बांटने में नहीं दे रहे। ये सर, ये हमसे मत पूछो, चलो सब हमको काम करने दीजिए सर। ये सब राजनीति हमारे कोई राहत नहीं है, सरकार फेलियर है। यहाँ जो भी राहत सरकार की जो खाना आया है वो सबसे बड़ा घटिया है, उससे बढ़िया पप्पू यादव का है। पप्पू यादव ने बहुत अच्छा काम किया है, एकदम पप्पू यादव काम कर रहे हैं। पिछले 5 दिन से लगातार हम लोग देख रहे हैं राजेंद्र नगर में लोग भारी शरीर लेके उतना है। जो भी है पप्पू यादव का काम अच्छा रहा, जो प्राइवेट संस्था का काम अच्छा रहा है। अभी पानी निकासी को लेकर के या पानी थोड़ा सा घटा है, मगर जो घटना चाहिए था 5 दिन से नहीं घटा है। वो बोलते हैं कि हम सुशासन बाबू, सुशासन बाबू फेल है। वो खाली यहाँ पर भी जो आग लगा था लड़के लोग को जो कोचिंग में, उसमें भी वो कान में तेल में लगाए थे 3 दिन के बाद उनको। 15 दिन से यहाँ पर मौसम विभाग इनको अलर्ट कर रहा, इनको कान में तेल लगा के सोए हुए हैं। मौसम विभाग का दोष देते हैं, अभी कहते हैं ग्रह नक्षत्र, कभी ग्रह नक्षत्र पर विश्वास नहीं किए हैं और आजकल कहते हैं ग्रह नक्षत्र, ये उनका फेलियर गवर्नमेंट है और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सुशील मोदी भी वैसा ही हैं जो बस नोट बनाओ और हमको मान रहे, वो तो भाग गए, वो तो पैसा बढ़ाने के फेर में। भाई तो उनको लड्डू खाने से मतलब है, पहले तुम चुपचाप रहो, कुछ बोलते ही नहीं है। जो आदमी अगल बगल में रहता है अपना बगल का आदमी का राजेंद्र नगर का निर्णायक स्थिति, वो 20 साल से बने, वो 2 बार 3 बार उप मुख्यमंत्री बने, क्या किया है राजेंद्र नगर के लिए? बोले वो जो हमको जवाब दे। खाना नहीं मिला है किस बात के लिए सर? सरकार है, सरकार फेलियर, इससे बड़ा सब फेलियर सरकार तो आया ही नहीं। आया ही नहीं है जिंदगी, गरीब मोड़ा काम गरीब आदमी को देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे जितना लोग अभी लिया हुआ क्या होगा उन लोगों का, वहाँ पे लगा दिया, यहाँ का पानी कहाँ से निकलेगा? सबसे अधिक नरकीय स्थिति होता है यहाँ पे राजेंद्र नगर का। क्या है अभी 5 दिन पानी नहीं निकलने वाला, प्रति वर्ष यहाँ पर जो बारिश होती है इस तरह जल जमा होता है, लेकिन सरकार इससे आपका अनदेखी करती है। अनदेखी करती है, सबसे पहले कहीं पे भी रोड के हिसाब के ड्रेनेज का सिस्टम पहले करना चाहिए। पहले कहाँ से ठीक होगा ड्रेनेज का सिस्टम? यहाँ पर अभी जो भी लोग फंसे हुए हैं शौच करने जाएंगे तो गंदगी कहाँ पर आएगी, बताइए अभी हमको।
क्या है काम कर रहे हैं? कुछ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं उन्होंने, बहुत जो पेट्रोल पंप पे आग लगी रही थी तो उस समय दमकल को मंगाए गए, पर एक कंकड़वा का जो दमकल आया था वो उसमें पानी नहीं था, और दूसरा जो दमकल आया उसमें पानी था। तो उस समय हम लोग 7:11 बजे 6:30 के करीब थे, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था किया गया, फिर उसको आग पर काबू किया। अभी जो राहत सामग्री पप्पू यादव का काम कैसा लगा? पप्पू यादव सभी मोहल्ले में जाकर वो अपने खुद अपने स्तर से बांट रहे हैं और अपने 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 लोगों को दे रहे हैं, और बोलना उनका कहना यही है कि सब सब सबको मिलेगा, आप चिंता नहीं करने की जरूरत है। तो बहुत बुरा स्थिति है, दो अभी 4-5 दिन से पानी 10 कत्ता से अभी पड़ा हुआ है, कुछ निकला है लेकिन अभी पूरा पानी भरा हुआ है। जब लालू जी के रीजन में जब पानी बरसा था तो सुशील मोदी अपने धरना पर बैठ गए थे। आज सुशील मोदी का कुछ बोलता राज है तो आज काहे नहीं अपना धरना पर बैठे राज में मुंबई में है ना। अभी लगातार 5 दिनों से यहाँ पानी जमा हुआ भी है, लेकिन यहाँ पर निकासी कार्य बहुत ही धीमी गति से। आपको लगता है कि यहाँ पर ये जो जल जमाव की स्थिति जो हुआ ये किसका दोष इसमें हो सकता है? सरकार का दोष, सरकार का दोषी, नगर निगम दोषी, सरकार का दोषी है, नगर निगम का दोष है। ये बाढ़ के पानी थोड़ी, बाढ़ का पानी थोड़ी है, तो बरसात का पानी ऐसा है, तो बरसात कितना आया लेकिन पानी आज तक जमा नहीं है। ये सरकार के ढिलाई के चलते हुआ, पंप ऑफ सब बंद कर, सब बंद किया पड़ा हुआ था, इसीलिए जमा हुआ। गंगा परियोजना के कारण को लेकर नाला उड़ाई को लेकर लगभग करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन क्या आपका नाला उड़ाई हुई थी? नहीं, सब खाली कागज पर, कलम किताब पर, अथी पर नहीं देखा गया, खाली कागज पर हो गया कि हाँ इतना करोड़ रुपया के नाला उड़ाई। इनकी चर्चा हो रही थी तो अभी फिलहाल जिस तरह से लोगों में सरकार को लेकर आक्रोश है उसे लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है अभी, लेकिन बारिश खत्म होने के 5 दिन बाद भी राज्य की ऐसी स्थिति दयनीय है। अभी फिलहाल इतना ही, ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News1 11 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूले। नमस्कार। News1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।